जो सरकार ने खाता स्थल जो तय किया है वहाँ बकायदा इन लोगों ने परमिशन से शांतिपूर्ण ढंग से ये लोग धरना प्रदर्शन कर रहे थे। कल रात में अचानक से जो है लाठीचार्ज होती है, लाठीचार्ज होने के बाद इनको वहाँ धरना स्थल से जो खाने पीने का या इनका जो तंबू गड़ा हुआ था वहाँ से विकलांगों पर महिलाओं पर लाठीचार्ज कराया गया, बुखार पीटा गया, इनके रहने का खाने की कोई व्यवस्था नहीं, ये लोग चंदा कर कर के जो है खाने पीने की और तंबू गाड़ने की व्यवस्था की हुई। आपको सब लोगों को पता है कि हाई कोर्ट ने ऑर्डर दिया है कि अति शीघ्र जल्द से जल्द अविलंब जो है नियुक्ति पत्र इन सभी लोगों को मिलना चाहिए। लगभग 94,000 की संख्या है जो शिक्षकों की जो कि नियुक्ति पत्र अब तक सरकार नहीं दे रही। सरकार लगातार तानाशाह रवैया अपना रही है, तुमसे ले लेंगे जवाब जो है शिक्षा मंत्री दे पा रहे हैं। हम यही जानना चाहते हैं क्या लोकतंत्र में हमारा अधिकार नहीं है? तो कम से कम स्थल था, इन लोगों ने चंदा लेकर के इंतजाम किया हुआ था रहने का। तेजस्वी जी, आपने अधिकारियों से बात की है, तमाम क्या मतलब कहा गया है इसमें? तो हम यही कहें कि भाई ये लोगों की जो मांग है कि अभी लोग जाएगा, इन लोगों को आंदोलन करना है, आंदोलन के लिए जगह तय है और ये इनका डेमोक्रेटिक राइट है। आप रहिएगा साथ में, जंतर मंतर में भी आंदोलन होते हैं, अनिश्चितकाल तक होती है दिल्ली में, लेकिन ऐसा तो नहीं देखा कि जो जगह सरकार ने ही तय किया है वहीं से लोगों को आंदोलनकारियों को भगाया जा रहा है मार करके। डीएम साहब नहीं पहचान रहे थे क्या? कोई पहचाने ना पहचाने इससे क्या लेना देना? थोड़ी बदतमीजी भी हुई आपके साथ फोन पे? कोई बदतमीजी नहीं, उससे क्या लेना देना, भैया काम हो जाए और क्या। आप साथ और हमारी जिम्मेवारी है, भले ही चोर दरवाजे से सरकार में बीजेपी या नीतीश कुमार की है, लेकिन बिहार के लोग ये जानते हैं और उन लोगों की उम्मीदें हैं विपक्ष से। और हमारा जो चुनाव में भी जो इशू था कमाई पढ़ाई दवाई सिंचाई सुनवाई और कार्रवाई के लिए हम आगे अभी परमिशन नहीं मिलेगा तो आप साथ रहेंगे? अभी हैं, हम लोग हैं, अभी हैं।